सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम सुषमा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है मेरा बर्थडे, यानी कि 1st of January, न्यू ईयर को मेरा बर्थडे होता है। तो आप सब लोग मुझे कमेंट में आके बर्थडे विश कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए आए हैं बाहर, और हम आए हैं द एनिशन बारबेक्यू नेशन में। तो यहाँ पर हमने अपना बफेट बुक किया था, यानी कि अनलिमिटेड फूड में था आपका स्टार्टर, मेन कोर्स, स्वीट्स और जितना भी सब कुछ, मतलब जो कुछ भी होता है, आइसक्रीम, स्वीट्स, ड्रिंक्स, सब कुछ, मॉकटेल्स जो था वो आपका एक्स्ट्रा चार्जेस था। उसके अलावा कुछ भी लो आप, कुछ भी, कितना भी खा सकते हो, वो सब कुछ आपका अनलिमिटेड था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहले आते ही हमें स्टार्टर यहाँ पे सर्व किया गया। स्टार्टर में यार मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी डिशेस थी, यानी कि स्टार्टर में जो नॉनवेज की थी, कम से कम 10 से 12 तरह का तो स्टार्टर होगा, यानी कि नॉनवेज और मटन, चिकन, फिश और प्रॉन्स। यानी कि यहाँ पर प्रॉन्स, यार गाइस मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉन्स खाया, इतना यमी और टेस्टी था, मैं क्या बताऊँ यार, फर्स्ट टाइम मैंने खाया है। और अगर आप भी यहाँ पर आकर एक बार ज़रूर ट्राई करना, इतना यमी और टेस्टी मैंने प्रॉन्स कभी खाया नहीं। हाँ, मैंने कभी खाया ही नहीं है सचमुच में, क्योंकि मुझे मतलब देख के लगता था अरे क्या है मतलब, लेकिन मैंने यहाँ पर जब ट्राई करा ना यार, सच में इतना टेस्टी, और पता है मैंने 2 बार लिया, इतना टेस्टी था। तो यहाँ पर हम लोग अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर लाइव आपका बारबेक्यू लगा हुआ है। यार बारबेक्यू लाइव लगा हुआ तो उसका टेस्ट ही अलग आता है ना। तो सचमुच में इसका टेस्ट बहुत ही यमी था, मैंने तो जी भर के जितना था पूरा खाया, यानी कि आप कह सकते हो कि पैसा वसूल, यानी कि जितना हमने पैसा दिया वो पूरा हमने वसूल किया है। मतलब आप ये मत कहने लगे अरे यार बहुत ज़्यादा खा लिया, नहीं नहीं जितना पेट में आ रहा था उतना ही खाया है यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब लकी जॉय, और ये रहा प्रॉन्स, मैं बोल रही थी ना प्रॉन्स, देखो ये रहा, कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है ना यार, खाने में तो इतना मज़ेदार इसका टेस्ट था, सचमुच में 10 out of 10 में इसको नंबर दूँगी। और यहाँ पर अगर आप गाइस आते हो ना, तो अनलिमिटेड है जितना भी फूड है, मतलब स्टार्टर ये नहीं है कि वो किन किन के देंगे, आप कितना भी ले सकते हो। और जो बारबेक्यू लाइव लगा हुआ है ना, वो भी आप कितनी बार भी, वो यहाँ पर ऐड करता रहेगा, खाली होगा और वो ऐड करता रहेगा, मतलब ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक बार दो बार कितना भी खाओ, कितना भी। उसके बाद पता है आप मेन कोर्स तो जा ही नहीं पाते, खा ही नहीं पाते, क्योंकि स्टार्टर में इतना पेट भर जाता है ना, इतना सारा दे देते हैं ना कि पूरा स्टार्टर खा के पेट इतना भर गया ना, कि मेन कोर्स तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मेन कोर्स में आपको दिखाऊंगी गाइस। यहाँ पर पता है एक लाइव परफॉर्मेंस भी हो रही थी सिंगिंग की, जो भैया यहाँ पर कर रहे हैं सामने, आप देख रहे होंगे। और भी बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर थी, न्यू ईयर कुछ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ पे एक फैमिली देख रहे हो आप, डांस भी कर रहे हैं, हमने सोचा हम भी लास्ट में डांस करेंगे। तो उसके बाद ये लाइव परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब सॉन्ग सुनते सुनते और अपना फूड इंजॉय करना, यानी कि एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ना। तो चलिए मैं आपको मेन कोर्स भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेन कोर्स दोनों रखा हुआ है, नॉन वेज और वेज कुछ भी आप ले सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन है नहीं किसी भी तरह का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नूडल्स है, उसके साथ मंचूरियन है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिया है, वो भी मैंने सोचा हम दोनों खाएंगे, मैं अकेले नहीं खा पाऊँगी क्योंकि पेट में जगह ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पालक पनीर था, पनीर लिया थोड़ा सा। यहाँ पर ये आपका है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर आपका मलाई कोफ्ता है, यहाँ पे छोले और राजमा था, यहाँ पर आपका वेज बिरयानी, राइस, और उसके बाद आगे जब आओगे तो यहाँ पर आपका सैलेड लगा है, पापड़ है, रायता है, करी है, सब तरह का सैलेड है, पास्ता है, मैक्रोनी है, ऑनियंस है, और आपका सैलेड में आपका चिकन सैलेड भी यहाँ पर है, जो कि मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी था गाइस। और यहाँ पर जॉय देखो अपना पास्ता ले रहा है, यहाँ पर उसने कर्ड यूज़ किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर अपने लिए चिकन सैलेड क्या है यार, इतना यमी था ना, आप भी ट्राई करना। यहाँ पर मैं आ गई, यहाँ पर आपका बिरयानी लगा हुआ, चिकन बिरयानी, और उसके साथ भी यहाँ पर देखो 2 आपको वेज चिकन मिल रहा है, एक नॉन वेज, ये तो एक मटन है और एक चिकन है ना। तो मैंने यहाँ पे मटन लिया है थोड़ा सा, क्योंकि पेट तो पूरा भर चुका है। यहाँ पर 2 तरह का सूप लगा हुआ है गाइज, और यहाँ पर स्वीट में आपको गाजर का हलवा और आपको गुलाब जामुन मिल जाएंगे। यहाँ पर ब्राउनी भी है, तो मैंने एक पीस ब्राउनी ली, और यहाँ पे आइसक्रीम के तो इतने सारे यहाँ पर है ना बॉक्स रखे हुए थे, यानी कि कम से कम 10 से 15 बॉक्सेस हैं। यहाँ पे फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स में मैंने है ना वाटरमेलन खाया, और यहाँ पर बहुत तरह की पेस्ट्री थी, यहाँ पर आपको चॉकलेट लड्डू भी थे, और पेस्ट्री भी 5-6 तरह की थी। उसके बाद यहाँ पर गोलगप्पे भी लगे हुए थे और मोमोज भी थे। उसके बाद मेरी प्लेट तो रेडी हो चुकी है, तो आ गई हूँ मैं इन्जॉय करने अपने फूड को।
सो यहाँ पर जॉय ने देखो अपने लिए वर्जन मोजिटो यहाँ पर ऑर्डर किया है, जो कि यहाँ पर ऐड नहीं है, इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अपना फूड इंजॉय कर रहे हैं, लाइव परफॉर्मेंस आपने देखी सिंगिंग की, और यहाँ पर एक छोटा सा मिनी बार भी था सामने, और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी हमारा केक तैयार हो रहा है, जैसे कि हमारा केक रेडी होता है तो हम चलते हैं फिर अपनी केक कटिंग की तरफ, तब तक हमारा फूड हम इंजॉय कर लेते हैं। अपना फूड मैं फिनिश करके आपको यहाँ पर थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी। तो आपको कैसा लग रहा है फूड देखने में? तो आपको अच्छा लग रहा है ना? सचमुच में खाने में भी उतना ही यमी और अच्छा था गाइस। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये चॉकलेट लड्डू है जो कि मैंने खाया, इतना अच्छा लगा। और मैंने भी अपने लिए वर्जिन मोजेटो मंगाया, यार बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, आप भी ट्राई कर लेना एक बार। और यहाँ पर देख लो कितना भर भर के खा रहे हैं पेस्ट्रीज, और पता है आपको इतनी सी खाई है थोड़ी सी, और सब ऐसे ही। यहाँ पर देखो इनको भी शौक चढ़ गया वर्जिन मोजेटो पीने का। ठीक है, तो लास्ट में यार आइसक्रीम तो बनती है ना, तो थोड़ी सी आइसक्रीम मैं लेकर आई हूँ अपने लिए स्ट्रॉबेरी, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। और देख लीजिए यहाँ का मिनी बार अच्छा लग रहा है ना, और यहाँ का व्यू देख लीजिए कितनी अच्छी लाइटिंग है। और यहाँ पर मतलब अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, कम से कम 200-300 लोग तो यहाँ पर अच्छे से है ना सर्विंग हो जाएगी 200-300 लोगों की। इतना बड़ा है यार, आपको शायद कैमरे में छोटा दिख रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा एरिया है। उसके बाद हम तो अब केक की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा केक रेडी हो रहा है। हाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने ने बोला चलिए आपका केक रेडी हो गया है, तो चलिए हम चलते हैं अपने केक की तरफ। तो ये है मेरा केक, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? सो आप गाइस कमेंट बॉक्स में जाके मुझे हैप्पी बर्थडे भी बोल सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइस। तो यहाँ पर सचमुच में कितना अच्छा लग रहा है ना, वाओ। सब अपने दिल से हार्ट भी दे दो, मुझे हार्ट दे दो, भेज दो अपने हार्ट कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर मेरा हैप्पी बर्थडे, अभी जल्दी से क्लैपिंग करके बर्थडे सेलिब्रेट कर लो मेरा अपने साथ में, है ना? हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलेगा, और कमेंट करके बताना ज़रूर कैसी लगी। और इसके बाद पता है क्या है, हम घर नहीं गए, हमने सोचा चलो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, और लॉन्ग ड्राइव करते करते पता है कहाँ निकल लिए हम, इंडिया गेट पहुँच गए। और इंडिया गेट पर आपको पता है ना कि वहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, सबको मतलब पुलिस वाले भगा रहे थे कि चलो चलो अपने घर। तो हम तो सिर्फ छोटा मोटा ऐसे ही फ़ोटो क्लिक किया और निकल लिए वहाँ से, बस इंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल देना कमेंट बॉक्स में, और लव भी भेज दो। थैंक यू सो मच, बाय।